अरमान अनुमान, अरमान अनुमान। अगर बड़े बुजुर्ग बैठे हों उनके सामने अपना अनुभव कम बताओ। बड़ों से अनुभव को सीखना चाहिए, लेकिन आजकल के बच्चा तो बजरंगी बली बचावे। आजकल के बच्चा तो बाप से ही गए, तुम्हें क्या पता, तुम आज के आदमी, तुम जानो, तुम्हें थोड़ी पता है वहां क्या। अरे भाई साहब, आपसे ठीक 30 साल पहले आ गए वो। अंदाजा जरूरी नहीं है ठीक हो। अंदाजे पर हमें एक याद है, एक बहरा आदमी था, बहरा, सुनाई नहीं देता था, सागर में रहता था, 3 बत्ती पे बहरा। अब इतना बहरा आदमी, लेकिन वो कभी दूसरे को ये जताने नहीं देता था कि हम बहरे हैं। कोई कुछ बोले या ना बोले, हाँ हाँ ठीक है, जानबूझकर। एक बार उसका मित्र बीमार हो गया तो पत्नी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? बोले मित्र को देख आए। पत्नी ने कहा, किसी को ले जाओ, बहरे हो, सुनाई थोड़ी देगा, या मशीन लगा लो। अरे बोले, हम बहरे थोड़ी है, सब काम चला लेंगे, इशारे में सब समझ लेंगे। मित्र के पास मिलने गया, मित्र बीमार था। गया मित्र, कैसे हो? मित्र ने कहा, मर रहे। इसने अंदाजा लगाया कि अगर हम पूछें कैसे हो तो ये यही कहेगा, ठीक है। बोले हाँ तो ठीक है, जल्दी भगवान कृपा करें। अंदाजा है, अंदाजा तो अंदाजा है। अब मित्र से पूछा, अच्छा जल्दी भगवान कृपा करें, तो मित्र को बड़ी गुस्साएं आई कि हम तो मर रहे, जी कह रहे भगवान कृपा करें। फिर इन्होंने पूछा, बहरे आदमी ने, और बताओ कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है? अब मित्र का तो दिमाग खराब हो गया था, मित्र बोला, जमराज का। इन्होंने अंदाज लगाया कि कोई ना कोई तो नाम लिया है। बोले हाँ हाँ, वो तो डॉक्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, कईयों को ठिकाने लगा दिया, कईयों को ठीक कर दिया, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बढ़िया आदमी, बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी, उसी से दवाई लेना, दवाई लेना। अच्छा दवाई क्या बताई? अब तो मित्रों का और दिमाग खराब, एक तो वो बीमार, ऊपर से जो उपद्री आ गए। तो उन्होंने पूछा, खाने को क्या कहा? बोले पथरा कहे खाने को, पथरा खाए, हाँ हल्का भोजन है, हल्का भोजन है, बहुत हल्का भोजन है, खाना चाहिए, खाना चाहिए, बहुत हल्का भोजन है, बहुत हल्का भोजन। अब बताओ अंदाज में ये हाल होता है। जरूरी नहीं जो आप अंदाजा लगा रहे हैं वो सत्य हो, लेकिन हम इतना कह सकते हैं, अंदाजा सत्य नहीं हो सकता, लेकिन अनुभव हमेशा सत्य ही होता है, क्योंकि अनुभव होकर के बोला जाता है। इसीलिए पूर्व बुजुर्गों का अनुभव, पिता के पास, दादा के पास, दादी के पास बैठने की आदत रखनी चाहिए। अब आजकल के बच्चों को तो दादा दादी का गोद ही नसीब नहीं होता। एक जमाना था, दादा कहते थे, बाबा दादा बड़े प्यार पूर्वक बच्चों को गोद में लेते थे, कहते थे, भैया मूल से ज्यादा ब्याज प्रिय होता है। नाती भी दादा के बड़े करीब, दिन ना रात। अब कुछ, अब आजकल तो बड़ा मॉडर्न जमाना आ गया है, लेकिन हम इतना ही कहेंगे, अनुभव को हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों से सीखना चाहिए। और हनुमान जी से भी ये सीखने को ही मिलता है। हनुमान जी के चरित्र में आप पढ़िएगा तो हनुमान जी जब लंका जाते हैं तो पूछते किससे हैं? जामवंत जी से। जामवंत जी कौन है? जामवंत जी बूढ़े हैं, और हमेशा सलाह वृद्धों से लेनी चाहिए। बूढ़ों से जो सलाह लेता है वो कभी फेल नहीं होता है। जामवंत में पूछो तो ही, जामवंत में पूछो तो ही, उचित सिखावन दीजो तो ही, उचित सिखावन दीजो तो ही। इस बात का आशय क्या? सलाह हमेशा बड़ों से लो। एक बात और, जितने भी बड़े लोग बैठे, हमेशा अपना पर्सनल असिस्टेंट पीए अथवा आप अपना सलाहकार किसी जवान को नहीं, सलाहकार हमेशा बूढ़े को बनाना चाहिए।
क्योंकि वृद्धों के पास अनुभव होता है। जय हो भूत भैया, जय हो भूत भैया, तुम भी कथा में आनंद ले रहे हो। श्री हनुमान जी महाराज की, ये भी एक जैसी नगर में इतिहास लिख गया कि आदमी तो आदमी भूतन ने भी कथा सुनी। इसकी भी न्यूज बननी चाहिए, ये भी न्यूज बनना चाहिए कि आदमियों ने कथा सुनते हुए बहुत देखी होगी। बागेश्वर धाम की ब्रेकिंग न्यूज देखिए कथा, जिसमें भूतों ने सम्मिलित होकर के तालियां बजाएं। अभी जब हम भजन गा रहे थे तो भजन में भूत नच रहे थे, हमने कहा यहाँ तो और बढ़िया बढ़िया भी ब्रेकिंग न्यूज बननी चाहिए। देखिए क्या ऐसी कथा कभी देखी, हनुमान कथा में भूतों का तांडव। कितना अच्छा, लेकिन ये भी सौभाग्य है भूतों का कि उनको भगवान की कथा में नचने का मौका मिल रहा है। तो सलाहकार वृद्ध रखो, बूढ़ा रखो। हनुमान जी अपनी सिद्धियों में इस बात की, अपने जीवन के चरित्र में, हनुमंत चरित्र में सिखाते हैं कि हमेशा सलाह बूढ़ों से लो। बूढ़ों से क्यों, एक कथा हमने बहुत बार बताई लेकिन फिर भी बता देते हैं तो मैं ध्यान आ जाए, समझ में आ जाए। इसलिए एक बार एक बूढ़े दादाजी ट्रेन पर बैठे थे डिब्बे में, तो 10-12 लड़के, अब समझ जाओ लड़के तो लड़के हैं, जो लड़े वही लड़के, 10-12 लड़के ट्रेन पर चढ़े और चढ़कर के ऊधम मचाने लगे। एक बेचारे बूढ़े दादाजी डब्बा में बैठे, लड़के बोले चलो चैन खींचे ट्रेन की, तो दूसरे लड़के बोले कि चैन खींचेंगे देखो लिखा है 500 रुपया जुर्माना। तो लड़के बोले अपन लोग 12 लोग हैं, 500 नहीं जोड़ पाएंगे, ट्रेन खींचने का मजा कैसे आ जाएगा, चलो खींचते। लड़कों ने रुपया जोड़े, 1200 रुपया जोड़े, एक लड़के की जेब में रख दिए कि लो तुम रखो, हम लोग ट्रेन खींचते हैं चैन, ट्रेन रुकेगी 500 रुपया जुर्माना दे देंगे, क्या दिक्कत। दूसरा लड़का बोला 1 रुपया नहीं लगेगा और चैन खींचने का मजा भी आ जाएगा। बोले कैसे, बोले चैन खींचते हैं अपन और जब अधिकारी आएगा तो कहेंगे इन दादाजी ने खींची, बूढ़े दादाजी। बेचारे दादाजी हाथ जोड़ के बोले ऐसा मत करो ऐसा मत करो, वृद्ध आदमी हाथ जोड़ के ऐसा मत करो ऐसा मत करो, हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों को सताने में ही मजा आता है, कोई अगर हाथ जोड़े गिड़गिड़ाए तो और मजा आता है। लड़के बोले हैं अब मजा आएगा, लड़कों ने चैन खींची, ट्रेन रुकी, अधिकारी आया, किसने चैन को खींचा है, लड़के बोले ये बैठे दादाजी ने ये बूढ़े दादाजी ने। अधिकारी बोला क्यों चैन क्यों खींची है, क्या कारण है, वृद्ध दादाजी तो वृद्ध दादाजी हैं। बोले हुजूर अब चैन ना खींचे तो करें क्या। बोले क्यों, बोले 1200 रुपया थे वही लूट लिए इन्होंने, 1200 रुपया थे वही लूट लिए, आपको भरोसा ना हो तो ये जो नीली शर्ट पहने इसकी जेब में देखो 1200 है, अब चैन ना खींचे तो क्या करें। लड़के बोले ये तो आफत उल्टी हो गई, सच में पुलिस आई, चेकिंग हुई, 1200 रुपया पकड़े गए, दादाजी को वो 1200 रुपया दे दिए गए, 12 लड़के पकड़े गए। आगे जब रेलवे स्टेशन पर वो लड़के उतरने लगे तो दादाजी गेट तक खड़े होकर के अपनी डाड़ी पर हाथ फेर करके बोले सुनो लड़के हम ऐसे ही नहीं बूढ़े हो गए, ये डाड़ी सफेद अनुभव में हुई है। इसीलिए सलाहकार बूढ़े को बनाओ, वृद्धों से सलाह लो, जैसे जामवंत जी से सलाह हनुमान जी लेते, और हनुमान जी के चरित्र में यही सीखने को मिलती है कि लंबी उड़ान का भाव अगर तुम्हारे मन में है, बहुत लंबा उड़ना है, बहुत लंबी दूरी तय करनी है अपनी जिंदगी में, तो इस चौथी सिद्धि से सीख ले लो कि जिंदगी में वजन कम रखिए
भजन बढ़ा दीजिए, आप बैठे बैठे लंबी ऊंचाइयां प्राप्त कर जाएंगे। यही हनुमान जी की चौथी सिद्धि का रहस्य है। शेष सिद्धि के बारे में हम कल चर्चा करेंगे, जो बची सिद्धि है।